हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश और आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बनना चाहते हो तो वीडियो को आप कंप्लीटली देखना, क्योंकि आज की वीडियो के जरिए मैं आपको एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बनने का यहाँ पर फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बन सकते हैं और यहाँ पर एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बनने के लिए यहाँ पर जो है किन किन डॉक्यूमेंट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है वो मैं आपको आज की वीडियो के जरिए फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ हेल्पफुल और नॉलेजफुल भी होने वाला है। तो वीडियो पे बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव टेलीकॉम से जुड़ी नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव टेलीकॉम से जुड़ी नॉलेजफुल वीडियो यहां पर रोजाना देख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि यहाँ पर जो है बनना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बनने के लिए यहाँ पर किन किन डॉक्यूमेंट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा और कैसे आप यहाँ पे एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बन सकते हो, एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बनने के लिए यहाँ पर आपको कहाँ पे जाना होगा, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको फुल डिटेल से यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आप जो है यहाँ पर एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बन सकते हैं और एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बनने के लिए यहाँ पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि आपको यहाँ पर बनने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बनने के लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एयरटेल का एक सिम होना चाहिए। अगर आपके पास एयरटेल का सिम होगा तभी आप यहाँ पे एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बन सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए आपको यहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपके पास आधार कार्ड अनिवार्य है। आपके पास आधार कार्ड होना काफी ज्यादा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जो है यहाँ पर एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि नहीं बन सकते हो। तो आपको जो है यहाँ पर एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बनने के लिए आपको आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि आप यहाँ पे बन सकते हैं। और इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना एयरटेल का जो स्टोर होता है, जो एयरटेल का जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होता है, आपको उस जगह पे विजिट करना है। अगर आपको एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के बारे में नहीं पता है कि कहां पे एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, तो आप जो है गूगल क्रोम या फिर आप यहां पे गूगल ब्राउजर में आप जाकर यहां पर जो है सर्च कर सकते हो एयरटेल स्टोर, तो आपको एयरटेल का नियरेस्ट स्टोर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जो आपको एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होगा वो आपको यहाँ पर जो है शो हो जाएगा, तो आप मैप के जरिए आप यहाँ पे जा सकते हो। नहीं तो यहाँ पर जो दूसरा है यहाँ पर आपके पास जो तरीका है वो ये है कि आपको प्ले स्टोर से आपको एयरटेल का थैंक्स ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना एयरटेल का नंबर को वहां पर लॉग इन करना है। लॉग इन जैसे ही करोगे तो आपका जो है एयरटेल का एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पे आप लॉग इन हो जाओगे। लॉग इन होने के बाद आपको वहां पर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। थ्री लाइन का ऑप्शन पे जाओगे और आपको सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद आपको जो है लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो लोकेशन के ऑप्शन पे आपको टैप करना है और उसके बाद आपको यहां पर स्टोर यानी कि एयरटेल का स्टोर का लोकेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लोकेशन के जरिए आप यानी कि जो मैप होता है उसके जरिए आप यहां पे एयरटेल का स्टोर जा सकते हो। एयरटेल का स्टोर जाने के बाद आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना होगा कि हमें जो है नया रिटेलर बनना है या फिर यहां पर नया अर्जुन प्रतिनिधि बनना है। तो आप जो है वहां पर जैसे ही आप ये कहोगे कि यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर नया अर्जुन प्रतिनिधि बनना है, तो बनने के लिए आपको वहां पर मांगा जाएगा सबसे पहले तो एयरटेल का सिम। तो आपको करना क्या है कि आपको जो भी आपके पास पुराना एयरटेल सिम है तो वो एयरटेल सिम आपको वहां पर अपना नंबर बताना है और उसका पीछे का जो 20 डिजिट नंबर होता है, जो 20 डिजिट नंबर होता है 899 से लेके यू तक, वो सारा नंबर को वहां पर आपको दे देना है। अगर आपको सिम नंबर नहीं निकालना आता है या फिर आपको सिम नंबर नहीं पता है तो आप जो है सिम कार्ड के पीछे आप देखोगे तो आपको जो है पैनल के ठीक नीचे आपको यहां पर 20 डिजिट का सिम नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आपका मोबाइल नंबर और सिम नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूटर को बता देना है और उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड और साथ ही साथ अपना जो है पैन कार्ड नंबर, ये दोनों चीज आपको वहां पर दे देना है। और आपको जो है ये 24 आवर्स के अंदर में आपका जो है एयरटेल का आप अर्जुन प्रतिनिधि का लापू सिम आपको मैपिंग हो जाएगा और यहां पर जो है आप एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बन सकते हो। और बनने के बाद जो है आपको अपना टीएम से संपर्क करना है और टीएम से संपर्क करने के बाद जो है आपको अपना नंबर को मैपिंग करवाना है आपको अर्जुन प्रतिनिधि के लिए। और जैसे ही आपका नंबर मैपिंग हो जाता है तो आप यहाँ पे जो है मंथली में
आप यहाँ पे एयरटेल का सिम सेल करके यहाँ पर एयरटेल का बैंक खाता खोल के और यहाँ पर जो है एयरटेल का बहुत सारे सर्विस को आप यहाँ पे चालू करके आप यहाँ पे रिचार्ज वगैरह भी करके आप यहाँ पे कमा सकते हो यहाँ पर महीने का 15 से 20 हजार रुपए। तो आप जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि बन सकते हो। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को कभी लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो न्यू रिटेलर यहाँ पर बनना चाहते हैं या फिर यहाँ पर जो न्यू एजेंट यानी कि अर्जुन प्रतिनिधि बनना चाहते हैं उनको ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पर एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि यहाँ पर बन सके। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस करें और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।